एग्रीकल्चरल आउटपुट अब जब आप बात करते हैं मेयरमेंट ऑफ द इकोमेंट ऑफ इकोनॉमिक सरप्लस इज इक्वल टू कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस इफ देर इज एनी चेंज इन सप्लाई डिमेंड तो ये इफेक्ट करते हैं आपके इकोनॉमिक वेलफेयर कोकोनॉमिक सरप्लस को अब सपोज अगर हम एज्यूम करें देर इज समयेटिक चेंज जो भी क्लाइमेटिक चेंज आएगी उसका कुछ इम्पैक्ट आएगा किस पे आएगा इम्पैक्ट उसका इम्पेक्ट आएगा यूजली ऑन दी सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज कि अगर मैं बात करूं कि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज देर आर सर्टन फ्लर्स एंड रेन्स और रेन्स की वजह से भी क्या है देर इज सम आप कह लें कोई क्रॉप आपकी डिस्ट्रॉय होगी बिकॉज ऑफ हैवी रेन तो उस सब का इम्पेक्ट क्या आएगा आपकी क्रॉप की जो सप्लाई है उस पर्टिकुलर क्रॉप की सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी अर किसी क्रॉप पे कोई डिजीज अटैक कर दे अगेन बिकॉज ऑफ अटैक ऑफ सम डिजीज़ ऑन दैट पर्टिकुलर क्रॉप अगेन क्या होगा देयर इज चेंज इन सप्लाई और जब भी चेंज इन सप्लाई होगा तो इट चेंजेस कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस और जब कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस चेंज होगा तो ये चेंज करेगा आपकी इकोनॉमिक वेलफेयर को फिर इसी पैटर्न पे जब आप कहें कि देयर आर सम चेंज इन एग्रीकल्चरल

डिमांड कर जब आपकी डिमांड कर शिफ्ट होगी तो बिकॉज ऑफ दैट शिफ्ट इन डिमांड देयर इज चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस अगेन क्या होगा इकोनॉमिक वेलफेयर क्या जो हमने इकोनॉमिक वेलफेयर की बात की थी हमने कहा था दिस इकोनॉमिक वेलफेयर इज इक्वल टू कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस फिर इसी पैटर्न पे अगर हम बात करें कि एट मैक्रो लेवल बिकॉज ऑफ सम सम पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट जी डिसाइड किया गया कि वी शुड इम्पोज सर्टन टाइप ऑफ द टैक्सेस ऑन प्रोड्यूसर्स या हमने कोई सब्सिडीज दे दी प्रोड्यूसर्स को अगेन क्या होगा बिकॉज ऑफ एंड सब्सिडीज ऑन प्रोड्यूसर्स देयर इज सप्लाई ऑफ द कमोडिटी ऑन विच टैक्स एंड सब्सिडीज आर प्रोवाइडेड टू प्रोड्यूसर्स अगेन क्या होगा अगेन देर इज चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस और अल्टीमेटली क्या होगा इट है इकोनॉमिक वेलफेयर अब जब आप एज एन इकोनोमिस्ट या पॉलिसी मेकर हम बात करते हैं तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये होता है मैक्सीज दींग ऑफ द इंडिविजल टू मैक्माइज द इकोम कमोडिटी और यहां पर दे हैव टू टेक केयर एज पॉलिसी मेकर वेरी केयरफुल पॉलिसी दे शुड फॉर्मुलेट कि कहीं कोई ऐसी पॉलिसी फॉर्मुलेट ना हो जाए जिसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ पीपल लिविंग इन अ सोसाइटी डिक्रीज हो जाए हाँ एक चीज कन्फर्म है कि अगर मैं इन सारे को आप कह लें एक दफा समराइज करके बात कर लू कि एक चीज कंफर्म है कि वेन एवर देअर इज शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई ये शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई क्यों आए बिकॉज ऑफ सम क्लाइमेटिक चेंज बिकॉज ऑफ सम चेंज इन रेगुलेशन तो आपके जो इकोनॉमिक वेलफेयर है या आपके जो इकोनॉमिक सरप्लसिस हैं वो चेंज होंगे क्यों चेंज होंगे कि बिकॉज ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस